दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हम बनाएंगे आज नया वीडियो और ढेर सारी जानकारी देंगे आपको। तो दोस्तों, ये है हमारी किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट। बहुत ही ताकतवर होती है ये, और मैं कहीं से कोई खाद कुछ भी नहीं लेती, बर्मी कंपोस्ट कुछ भी नहीं लेती, सब कुछ घर में ही मैं तैयार करती हूँ। तो ये है हमारी किचन वेस्ट से बनी हुई खाद, जो करीब 6 महीने से इसमें डली हुई है। दोस्तों लोग बोलते हैं 1 महीने में तैयार हो जाती है, 30 दिन 40 दिन नहीं तैयार होती दोस्तों, उसमें स्मेल रहती है, उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ये डिब्बा है दोस्तों, प्लास्टिक का बड़ा सा, इसमें देखिए ऐसे छोटे छोटे इसमें छेद किए हुए हैं ताकि इसमें से एयर पास होते रहे। अगर इसको आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फट जाएगा डब्बा, क्योंकि इसमें गैस बनती है। किचन का जो भी सामान निकलता है, तो जब वो कंपोस्ट होता है तो उसमें से गैस निकलती है, तो इस तरह से इसको किया जाता है। ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, इसके बाद ये कंपोस्ट होके यहाँ तक आया। तो आज हम इसको पलटेंगे और फिर से शुरू करेंगे दोस्तों इसमें गार्बेज और किचन वेस्ट भर के खाद बनाना। तो हम इसको कैसे करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम खाद को पलट लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही शक्तिशाली खाद होती है, आपके पौधों के लिए अमृत का काम करती है, तो इसको जरूर बनाएं आप, क्योंकि आप तो फेंक ही देते हैं कचड़े को, कचड़ा ही है वो, तो उसको फेंकने के बजाय आप इस तरह से बनाएं और अपने पौधों में डालें। चाहे आप वेजिटेबल लगाएं, चाहे आप फूल लगाएं, कुछ भी, बहुत ही सुंदर इसमें होता है। तो इसको आज हम पलटेंगे, इसको रखेंगे बोरी में भर के, और ये डब्बा हमारा, क्योंकि ये कंपोस्ट हो चुका है तो हमको डब्बे की ज़रूरत है, डब्बे में फालतू भरा हुआ है, तो इसको हम बोरी में भर लेंगे करके। तो इसको आज हम खाली करेंगे। तो दोस्तों, ओहो टूट जाएगा डब्बा टूट जाएगा। तो ये हमारी 6 महीने पुरानी खाद है, जो कि अच्छे से, अभी मेरे को नहीं पता कैसे कंपोस्ट हुई होगी, आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ, सब साथ में ही देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 महीने में तैयार होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो मैं आपको बताऊँ, बोलने की बातें नहीं, मुझे नहीं पता उनकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से तैयार करते हैं, लेकिन जो हकीकत जो है वो मैं आपको बताऊँ, 6 महीने से पहले ये नहीं सड़ती है, ये कंपोस्ट नहीं होता है 6 महीने से पहले। क्या खाद निकल रही है, माय गॉड। तो ये जो मेड होती है ना, कभी कभी कुछ छोटे कपड़े और ये कुछ थोड़े बहुत ही प्लास्टिक वगैरह भी थोड़े चले जाते हैं इसमें, ये इसमें दिख रहे हैं छिलके मूंगफली के। बताइए, ये 6 महीने बाद हम निकाल रहे हैं तो इसमें मूंगफली के छिलके कंपोस्ट नहीं हुए हैं। हालांकि ये काम आ जाएंगे, लेकिन अभी इसको हम धूप में सुखाएंगे, लेकिन जैसे बोलते हैं ना पूरी तरह से 1 महीने में कंपोस्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो सब कैसे करते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकल जो है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हुआ है कंपोस्ट, पूरी तरह से हो गया है, थोड़े बहुत वो कुछ कुछ इसमें डले हुए हैं किचन के, इनको कितना भी समझाओ लेकिन नहीं सुनती हैं, ये बाइयाँ जो हैं अपने मन का ही करती हैं। देखिए कैसे कचड़े को डाली हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको छांट देंगे और हम अच्छी चीज़ें निकल, कागज़ है ये, प्लास्टिक है क्या? तो आप ये देखिए कि कैसे लोग बोलते हैं कि 1 महीने में कंपोस्ट हो जाता है, मुझे नहीं पता क्या डालते हैं उन लोग, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप उसमें यूरिया या आप उसमें कोई चीज़ और नहीं डालेंगे, तो इसी तरह से ये तैयार होती है। 6 महीने लगभग, कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो दोस्तों, 6 महीने बाद हमारी खाद की ये स्थिति है, मतलब कम से कम 6 महीने तो लग जाते हैं अच्छे से इसको कंपोस्ट होने में। और इसके बाद ये अभी हम इसको 2-3 दिन 4 दिन तक अच्छी धूप में सुखाएंगे, इसके बाद फिर इसको कूट पीट कर जो भी है, मतलब अच्छे से करके, और इसको हम बोरी में भर के रख लेंगे। ये हमारे पौधों के काम आएगी, बहुत अच्छी बहुत शक्तिशाली खाद होती है। थोड़ी प्रक्रिया इसकी, टाइम तो लगता है बनने में, लेकिन ये होती बहुत अच्छी है पौधों के लिए। तो सबसे शक्तिशाली खाद यही होती है, पत्ते की और इसकी, बकरी की भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं सब कुछ अपने घर में ही तैयार कर लेती हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि क्या हमने बकरी पाला है, तो बकरी तो नहीं पाला है, लेकिन एक बकरी वाला निकलता है तो उससे मैं खरीद लेती हूँ, और उसको घर में, मैं घर में मतलब ऐसे ही उसको रख के ड्रम में, और ऊपर से पौधे लगे रहते हैं। चलिए आपको दिखाई देती हूँ, बोलेंगे ये इसमें बकरी की खाद भरी हुई है, और ऊपर से हमने इसमें लौकी लगाया हुआ है, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल के लौकी लगा दिया है,
तो ये है हमारी इसमें बकरी की, जो बकरी की लीद होती है उससे पूरा बड़ा सा ड्रम जो है ये कंपोस्ट हो रहा है। ये मैं इसकी दाल आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इधर गया हुआ है। तो इस तरह से मैं खाद खुद ही तैयार करती हूँ। आगे मैं खाद कैसे तैयार करूंगी, जो हमारा ड्रम खाली हुआ है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा ड्रम फिर से खाली हो गया है बनाने के लिए इसमें कंपोस्ट। तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें नॉर्मल मिट्टी। आप देखिए इसमें एक लेयर हम थोड़ी सी ही मिट्टी डालेंगे और इसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। तो एक लेयर हो गया मिट्टी दोस्तों, आपने देखा। अब मैं एक मज़ेदार बात, मज़े की बात आपको बता रही हूँ जो शायद आपको पता ही नहीं होगा। कैसे पता होगा? तो दोस्तों हमने पाली है गाय, तो हमारे किचन से कुछ निकलता ही नहीं है, कोई किचन वेस्ट नहीं निकलता, क्योंकि छिलके, फ्रूट के छिलके, सैलेड के छिलके और आपका सब्जियों के छिलके वो सारा मेरी गाय खा लेती है। हाँ, जैसे मूँगफली के छिलके या जो चीज़ें हमारी गाय नहीं खाती उन चीज़ों को मैं ऐसे कंपोस्ट होने के लिए इसमें साथ में डाल देती हूँ। तो मैं क्या इसमें सड़ाती हूँ, क्या कंपोस्ट करती हूँ, जैसे गार्बेज निकला, कई बार जब हमारे कंटेनर खाली रहते हैं तो हम कंटेनर के नीचे में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी भर के पौधे लगा देते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे सारे कंटेनर भरे हुए हैं, इसलिए हम इस गार्बेज को हम फेंकेंगे नहीं, इसमें हम डाल देंगे। अब बाकी जो किचन से हमारे निकलता है जो भी थोड़ा मोड़ा, तो उसको भी हम इसमें बीच बीच में डालते जाएंगे। बाकी अब अगर गाय खा रही है तो गाय से तो ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है, तो हम गाय को दे देते हैं केले के छिलके, फ्रूट के, एप्पल का छिलका बहुत चाव से खाती है मेरी गाय, केले के छिलके को उतना पसंद नहीं करती है। तो इस तरह से हम इसको इसमें भरेंगे और इसमें फिर एक लेयर मिट्टी की डालेंगे, पेपर के टुकड़े, गत्ते, ये सारा कुछ इसमें डाल के हम कंपोस्ट कर देते हैं। तो अभी हम इसको पूरी तरह से भरेंगे, इसके बाद एक लेयर हम थोड़ी सी मिट्टी की डालेंगे, इसके बाद फिर इसमें डालेंगे जो भी गार्बेज है, फिर मिट्टी की डालेंगे। तो अभी इसको इसमें भर दिया, अब हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे मिट्टी। दोस्तों जैसे ये पैरा आता है फ्रूट के साथ ना धान का, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा खाद तैयार होता है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें हम भर रहे हैं, थोड़ा जटिल प्रक्रिया है लेकिन ये कंपोस्ट होके सब राख जैसे हो जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि ये इतना मतलब वो है, सब कंपोस्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी टाइम तो लगती है इसमें। हाँ, अगर आप कंटेनर के नीचे खाद बनाते हैं ना, जैसा मैं बनाती हूँ, जो हमारी सब्जियाँ ऊपर लगी रहती हैं और नीचे हम खाद बनाते रहते हैं, वो बल्कि जल्दी तैयार होता है, वो मतलब कि 2-2.5-3 महीने में वो कंपोस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से रख रहे हैं तो इसमें रोज़ एक तो पानी नहीं पड़ता, उसमें रोज़ पानी पड़ता है तो नीचे कंपोस्ट होते रहता है, तो इसको थोड़ा कंपोस्ट होने में टाइम लगता है। तो दोस्तों ये इतना भर गया, अभी आपको लग रहा है कि पूरा फुल हो गया, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये कंपोस्ट होता है ना, वैसे वैसे नीचे चला जाता है। तो ऐसे आपको ना कम से कम 200 बार भरना पड़ेगा तब ये कहीं जाकर भरेगा, 20 से भी ज़्यादा ऐसे भरते रहेंगे वो नीचे जाता रहेगा, जैसे जैसे कंपोस्ट होगा वो नीचे जाता रहेगा। तो अभी तो इतना ही आ रहा है, अभी इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी और पानी डालकर ढक देंगे, 1-2 दिन में इसमें और जगह हो जाएगी, तो फिर हम जो भी हमारा गार्बेज है इसमें हम भर देंगे। ये जो हमारे किचन गार्डन में जो ये निकलता है ना, ये जो भी फ्रूट या जो भी वेजिटेबल, तो जो हम नहीं खा पाते तो उसको भी, इसको गाय नहीं खाएगी क्योंकि कड़ा हो गया है, तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे, तो ये भी कंपोस्ट हो जाएगा। तो यही तो किचन वेस्ट है दोस्तों, और अब क्या, अब इसमें सेव थोड़ी सड़ाएंगे, तो यही है। अब इसमें हम एक लेयर ऊपर से भरेंगे मिट्टी। हाँ दोस्तों, अगर आपका आपका गार्बेज या कचरा जो भी ज़्यादा गीला रहता है ना, तो आप इसमें पेपर भी काट के डाल सकते हैं, तो वो सूखा और गीला का बैलेंस अच्छा बनता है और ख़राब नहीं होता, कीड़े वगैरह नहीं लगते और स्मेल नहीं आती है। हमारे में तो इसमें कभी स्मेल नहीं आती है। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस बना के, एक लेयर मिट्टी की डालना बहुत ज़रूरी, पतली सी लेयर डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में आके ये कंपोस्ट होना शुरू होता है। बाकी जो गार्डन का गार्बेज बचा है दोस्तों, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंटेनर हैं जिनको हमने खाली किया है ठंड की सब्जियां लगाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सब में हम भर देंगे और भरकर ऊपर से डाल देंगे मिट्टी, नीचे कंपोस्ट होता रहेगा, ऊपर से हम सब्जियां लगा देंगे। तो मतलब अभी तुरंत सब्जियां नहीं लगाएंगे, अभी हम इसको भर के 1-2 दिन 4 दिन रखेंगे ताकि मिट्टी बढ़िया सेट हो जाए, सारी चीज़ें सेट हो जाए, इसके बाद हम सब्जियां लगाते हैं। तो ये सारा गार्बेज हमारा बहुत सारा, ये गार्बेज भी बहुत सारा है, ये देखिए
मिट्टी और खाद भी हमारे पास बहुत सारी है, और ये सारे कंटेनर हमारे खाली हुए। देखिए जो ये फ्रूट कैरेट है ना, ये सब में हम लगा देते हैं सब्जियाँ। तो अभी हमारी साल भर की सब्जियाँ हो गई थी। पिछले साल दोस्तों इसी टाइम पे हमने अपना ये गार्डन शुरू किया था, और ये चैनल को भी हमने पिछले साल शुरू किया था। अभी साल भर नहीं हुआ है चैनल को, तो ये साल भर की सब्जियाँ लगभग होने को हैं। तो ये सारे कंटेनर जो हमारे ऐसे इस तरह से खाली हैं, इनमें सब में हम ये नीचे भर देंगे गार्बेज। बहुत सारा तमाम पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने पौधों की साफ सफाई करी है, कटाई छटाई करी है, तो बहुत सारा इसमें है। तो ये सारी चीजों को हम इस्तेमाल कर लेंगे, हम बाहर नहीं फेंकेंगे। तो दोस्तों हमने ढेर सारा आपको कचरा दिखाया, तो अब कुछ सुंदर सा भी दिखा दें। देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये खिला हुआ है, ये देखिए। और ढेर सारी इसमें कलियां आई हुई हैं, लगभग रोज ही खिलता है। इसका कलर तो मेरा फेवरेट है, देखिए। तो हमने कहा कुछ सुंदर भी दिखा दें आपको। दोस्तों देखिए होता क्या है कि जितना ही काम चलता है ना गार्डन में, ये देखिए, उतना ही कचरा निकलता है, उतना ही गार्बेज निकलता है। और इसको हम साफ कराते हैं, और इसके बाद करते हैं, कराते हैं, खुद भी करती हूँ मैं। और इसके बाद फिर होता है, फिर करते हैं, फिर ये कचरे को साफ करके नीचे भरते हैं, पौधे लगाते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया हमारी चलते रहती है बराबर। ये देखिए अब मिट्टी अभी ढेर सारी, आपने पिछला वीडियो देखा हमने निकाला था, अभी देखिए फिर से इतनी मिट्टी निकली हुई है। तो इस बार हमने ये छोटे कंटेनर से मिट्टी निकाली है, और इसको सुखा के एक दो दिन इसको कंटेनर को हम सबको भरेंगे, और इसमें फिर हम लगाएंगे ठंड की सब्जियां। तो दोस्तों जो इस डिब्बे में नहीं आया ना, हमको जो भी सारे जितने सारे कंटेनर भरने हैं, वो सारा गार्बेज हमने जो हमारे गार्डन से निकला टेरेस से, ये सारा कुछ हमने इन बहुत सारे कंटेनर में, आपको दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए सब में हमने इसको भर दिया। और ऊपर से हम भरेंगे मिट्टी खाद वाद मिक्स करके। तो ये हमारा गार्बेज जो है कहीं मतलब फेंकाएगा नहीं, नीचे इसमें कंपोस्ट होता रहेगा। और फिर जब ये नेक्स्ट बार हम इसमें से अपना फ्रूटिंग ले लेंगे, जो भी पौधा लगाएंगे, तो हमको ढेर सारी खाद मिलेगी इसके अंदर, वो मिट्टी हमारी रिच हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। और ये अलग से बन रहा है, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत इधर उधर डालने की खाद की, तो ये अलग से बन रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कई तरह की कंपोस्ट तैयार करती हूँ, तो ये देखिए बकरी की लीद से बना हुआ कंपोस्ट है, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। बोरी का थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट दिख रहा, नीचे से निकालिए नहीं तो पलट दीजिए, इसमें दिखेगा। कितना शानदार खाद जो है आप घर में ही कैसे तैयार कर सकते हैं। बोरियों में भी खाद तैयार की जा सकती है, पूरा नहीं करना, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है फिर। तो इस तरह से आप खाद तैयार कर सकते हैं। वाओ देखिए एकदम से मतलब कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं कि ये बकरी की लीद है, इस तरह से कंपोस्ट हुई है। तो ये हमारी जो मिट्टी है इसमें हमने धूप लगवाया है, अब हम ठंड की तैयारी कर रहे हैं, तो इस खाद को इसमें मिलाएंगे। बाकी चीज़ें इसमें भूसी, राख, नीम की पत्तियां, ये सारा कुछ हमने मिला दिया था। अभी हम मिला रहे हैं कंपोस्ट, थोड़ी सी और मिला सकते हो, क्या करेंगे, रख के नीचे तो और रखी है। तो ये जो सारे कंटेनर है ना, ठंड की तैयारी हमारी चालू है, तो इनमें इनको हम डालेंगे। तो आज भी हम थोड़ी सी धूप लगवा दें इसमें, कुछ कंटेनर तो भरेंगे, बाकी जो है मिट्टी और इसमें सब में धूप लगेगा। डाल देता हूँ सबको, थोड़ी ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं, वो किचन वेस्ट जो की जो खाद है उसको भी एक दो दिन। ये देखिए कितनी शानदार खाद है दोस्तों, ये देखिए आप, हाथ से दिखाओ ना थोड़ा, दोनों हाथ से पकड़ के, ये देखिए। कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से अपने घर में बना सकते हैं। ये करीब साल भर पहले का है, ये 6 महीने में भी बहुत अच्छी कंपोस्ट हो जाती है ये, लेकिन मेरे पास ये बचा रह गया था, क्योंकि मैंने मेरे पास बहुत था ये, तो ये बचा रह गया था। तो कितना सुंदर हो गया है ये, एकदम सड़कर कंपोस्ट हो गया, बहुत ही सुंदर। और ये समझिए कि अब क्यों ना लहलहाएंगे आपके पौधे अगर इस तरह से आप खाद डालेंगे। तो हम घर में ही सब कुछ तैयार करते हैं, और घर में ही अपने पौधों को इस तरह से चीज़ें देते हैं, और हमारे पौधे बहुत ही सुंदर ग्रो करते हैं। इस तरह से मिट्टी में खाद मिलाई जाती है।
दोस्तों इस मिट्टी में ना जो हम तैयार कर रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत हम किचन वेस्ट भी मिलाएंगे, किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट, और बाकी को हम इसको सुखा कर रख देंगे तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बीच बीच में ज़रूरत पड़ती ही रहती है, थोड़ा सा कुछ पौधा लगाना है या किसी क्यारी में डालना है, गमले में डालना है, तो इसको हम धूप दिखा कर रख देंगे। बाकी को हम थोड़ा बहुत देखिए उसमें हम मिक्स कर दे रहे हैं वाले, इसमें हम अपने जो हमारी मिट्टी तैयार हो रही है ठंड की सब्जियों के लिए, और थोड़ा बहुत इसको हम रख देंगे तो हमको ये बाद में काम आएगी। वैसे मैं खाद रखे रहती हूँ और भी कई तरह की, लेकिन सब कुछ घर में बनी हुई, मार्केट की कुछ भी नहीं। हमको पता ही नहीं कि मार्केट की खाद कैसे दिखती है। वैसे भी दोस्तों मैं गांव की रहने वाली हूँ जो कि घूरे में सब कुछ सड़ जाता है, वही है हमारी खाद, राख गोबर जो जो भी गार्बेज निकलता है गाय वाय के नीचे से, वो सारा कुछ सड़ा दिया जाता है गड्ढे में। तो उस तरह से मैंने देखा है हमेशा, तो वही तकनीक यहाँ भी है हमारी। हमने एक गाय पाल रखी है तो काउडंग की जो कंपोस्ट और खाद होती है ना वो भी हम घर में ही तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक अलग ड्रम तैयार रहता है, अलग ड्रम है नीचे रखा हुआ है, उसमें भी हम अलग से खाद तैयार करते हैं, कभी हम आपको दिखाएंगे। उसमें भी दोस्तों कम से कम साल भर लगता है, गाय का जो गोबर है उसको कंपोस्ट होने में, खाद बनने में कम से कम साल भर लगते हैं। तो दोस्तों गांव में भी जो खाद बनाई जाती थी, जो भी घर से कचरा निकलता था, राख निकलती थी, गोबर निकलता था, गाय भैंस के नीचे का जो घास और उनका बचा हुआ चारा, वो सारा कुछ एक जगह डाला जाता था, उसका उसको बोलते थे घूरा। तो उस घूरे को क्या होता था कि साल में एक बार खाली किया जाता था दोस्तों। तो उसको कैसे खाली किया जाता था, मतलब कि पूरे साल उसमें डालते थे, और जब धूप के दिन आते थे गर्मी के, जब खेत हमारे खाली होते थे, तब उस घूरे को खाली करके और खेतों में डाला जाता था। पहले तो ऐसे लेबर लोग डालते थे बैलगाड़ी और इससे सबसे डाला जाता था, अब तो ट्रैक्टर में भर के खेतों में पलट दिया जाता है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही खाद को निकाला जाता है, तो साल भर का साल भर वो जो है वो तैयार होता है। तो पूरे साल उसमें डालते हैं सब कुछ, गोबर कचड़ा राख, और फिर उसको गर्मियों में खाली करके खेतों में पलट दिया जाता है। तो हर खेत में अलग अलग साल, आज इसमें तो इस साल उसमें तो दूसरे साल उसमें, इस तरह से अलग अलग खेतों में उस खाद को पलटा जाता है। तो उसी से ही हमारी खेती होती थी, और आज भी हमारे कई खेत हैं, मैं तो अपने कई खेतों में ऑर्गेनिक उगाती हूँ, ऑर्गेनिक जो भी है राशन पानी हमारा, धान गेहूँ सब कुछ, तो आज भी हम उसको उगाते हैं। और हमारे यहाँ खाने का जो भी सामान आता है हमारे घरों से आता है, हमारे खेतों से आता है। तो दोस्तों हमारी मिट्टी में धूप भी लग गई और खाद भी मिक्स हो गया। अब हम ये सारे कंटेनरों को भरेंगे जिनमें नीचे हमने गार्बेज भरा है, अब ऊपर से इस मिट्टी को भरेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन कंटेनर में हम आज ही सब्जियां लगा देंगे, जब हमको हमारे पौधे तैयार होंगे या जब हम जो लगाना चाहेंगे हमारे कंटेनर तैयार रहते हैं, तो बहुत आसानी होती है इनमें सब्जियां उगाना, क्योंकि एक कंटेनर भरना, मिट्टी बनाना एक एक कंटेनर के लिए बहुत ही कठिन है दोस्तों। तो इसलिए एक साथ सारे कंटेनर को मैंने पहले भी भरा है और अभी भी एक साथ कंटेनर को भर लूँगी, और बाद में सुविधा अनुसार अपना इसमें सब्जी उगाती रहूँगी। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारे कंटेनर भर लेंगे। तो दोस्तों इस साल हमने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे यूजफुल स्टैंड बनवाया, तो हमारा पूरा गार्डन जो है एक अलग ही लुक में है, क्योंकि नीचे से हम इसकी बहुत अच्छे से साफ सफाई कर पाते हैं। देखिए तो ये सारा जो हमारे कंटेनर ये भराएंगे, एक लाइन से हम इसमें जमा देंगे। देखिए ऐसे ही पूरे कंटेनर उधर भी जमे हुए हैं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये भी है ना पूरा जो भी कंटेनर स्टैंड में है, और नीचे एकदम क्लीन है क्योंकि इसको क्लीन करते बन जाता है। ये भी देखिए ये भी स्टैंड में ही है ये कंटेनर, ये देखिए। तो इससे होता क्या है कि दोस्तों घर में सीपेज भी नहीं आती है, क्योंकि जब ये कंटेनर फर्श से चिपके रहते हैं ना तो ये सीत पैदा करते हैं। तो ये एक फ़ायदा ये भी है, और दूसरा ये है कि आप बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर पाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है जो बहुत बड़ा है, आपके पौधे जो है ज़मीन में नहीं लौटते, क्योंकि ये इनको इतना स्पेस मिल रहा है, तो पौधों में कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। तो दोस्तों इसमें हम उगा रहे हैं टमाटर, देखिए पौधा था थोड़ा सा हमारे पास, तो इसमें हम उगा रहे हैं टमाटर।
तो ये सारे कंटेनर में, किसी में टमाटर, किसी में बैंगन, किसी में कुछ, किसी में लीफी वेजिटेबल, ये सब हम इसमें उगाएंगे। जब जो हमको हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो हम उगाते जाएंगे। तो देखिए इसमें हम उगा रहे हैं टमाटर। कहने का मतलब आप ये है आप लोगों से कि आप इसमें कुछ भी उगा सकते हैं, मिर्ची उगा सकते हैं, टमाटर, बैंगन, कुछ भी, और बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये सब में। तो अभी हम उगा रहे हैं ये टमाटर। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो, तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।